गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दाव चला है। दरअसल गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का फैसला लेते हुए भूपेंद्र पटेल सरकार ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। यह कमेटी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बनेगी। वहीं राज्य सरकार के इस फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधा है। चुनावी तैयारियों के मद्देनजर गुजरात पहुंचे केजरीवाल ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का जिम्मा सरकार का होता है, लेकिन भाजपा की नीयत खराब है। संविधान के आर्टिकल 44 में इसको लेकर साफ तौर पर लिखा है, यूसीसी लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। केजरीवाल ने कहा कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा सभी समुदायों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए जिसमें सभी की रजामंदी हो। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गुजरात सरकार द्वारा समिति गठित करने के सवाल पर दिल्ली सीएम ने कहा कि इनकी नीयत खराब है, क्योंकि बीजेपी ने उत्तराखंड में भी यही किया। वहां चुनाव के पहले एक समिति बना दी, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुए और भाजपा जीती, समिति अपने घर चली गई। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा कुछ वैसा ही अब गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले कर रही है। गुजरात सरकार द्वारा बनाई गई समिति भी चुनाव बाद अपने घर चली जाएगी और होगा कुछ नहीं, क्योंकि इनकी नीयत सही नहीं है। केजरीवाल ने सवाल किया कि अगर इन्हें सिविल कोड लागू करना है तो फिर मध्य प्रदेश यह समिति क्यों नहीं बनती, भाजपा यूपी में क्यों नहीं बनाती। दिल्ली सीएम ने कहा कि अगर समान नागरिकता संहिता लागू करने की नीयत इनकी सही है तो फिर पूरे देश में इसे लागू करना चाहिए। क्या ये लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं? बता दें कि शनिवार को गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष साध्वी और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सिविल कोड पर समिति गठित करने के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समिति का गठन चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करने से पहले किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बना दी। उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद समिति घर चली गई, अब गुजरात के 3 दिन पहले एक समिति बनाई गई, यह भी चुनाव के बाद घर चली जाएगी। केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनते, यह लोकसभा का चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? केजरीवाल ने कहा कि पहले आप जाकर उनसे पूछना कि केजरीवाल कह रहे हैं कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं करना है, आपकी नीयत खराब है। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है। उन्होंने करीब करीब हर सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अब सभी की नजर चुनाव की तारीखों पर टिकी हुई है। सूत्रों के मुताबिक आयोग अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।